हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास है पोको F1, जिसमें हमने इंस्टॉल किया है एक कस्टम कर्नल, जिससे हम अपने डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बढ़ा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मेरा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट अभी 69 FPS पे है। और देख सकते हैं, अभी मेरा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। एनिमेशंस काफ़ी फ्लूइड लग रही हैं, कोई जिटरनेस नहीं दिख रही है इसमें। काफ़ी एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ लग रही हैं। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पोको F1 में, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का मोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कस्टम रिकवरी में जाना होगा, जो कि TWRP ही होती है ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में। रीस्टार्ट करके हम वॉल्यूम अप बटन दबा रहे हैं, जिससे हम रिकवरी में चले जाएंगे। जैसा देख सकते हैं, हम कस्टम रिकवरी में बूट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे इंस्टॉल में। इंस्टॉल में आपको एक ये फाइल दिख जाएगी, ये हमारा कस्टम कर्नल है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से स्वैप टू कंफर्म करेंगे। इससे हमारा ये कस्टम कर्नल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ रिबूट करना है सिस्टम में। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा पोको F1 रिबूट हो चुका है। इससे फटाफट अनलॉक कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट बढ़ा है या नहीं। तो आप भी इस वेबसाइट पर जाके अपना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट चेक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं 69 FPS की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में।